कर्नाटक के बेंगलुरु में 28 साल की एयर होस्टेस अर्चना धीमान की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल उनकी मौत चौथी मंजिल की बालकनी से गिरकर हुई थी, लेकिन अब मृतका की मां ने सोमवार यानी कि 13 मार्च को दावा किया है कि उनकी बेटी की मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि उनकी बेटी के बॉयफ्रेंड ने उसे बालकनी से धक्का दे दिया था। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। साउथ ईस्ट बेंगलुरु के पुलिस डीएसपी सीके बाबा ने कहा कि पेरेंट्स की शिकायत पर उन्होंने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पहले अर्चना की मौत के बारे में कहा था कि वो बाहर की बालकनी से फिसलकर नीचे गिर गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये भी बताया गया था कि इस दौरान कपल नशे में था। साउथ ईस्ट बेंगलुरु पुलिस के डीएसपी सीके बाबा ने ही आगे बताया, दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए 6 महीने पहले मिले थे। प्रेमी बेंगलुरु में तो मृतका दुबई में काम करती थी। दोनों आए दिन मिलते रहते थे। उस दिन भी दोनों मिले थे जिस दिन अर्चना की मौत हुई। पुलिस ने यह भी बताया कि अर्चना स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बेंगलुरु आई थी। सुनिए पुलिस डीसीपी का ये बयान। One of the apartment, private apartment complex of Koramangala Police Station Limits, where a woman has fallen from the fourth floor of the building. Whether she has had a fall on her own or somebody, her boyfriend who was with her. Whether he has pushed, so that was the question. And post that incident, they have tried to take her to the hospital, and the hospital, the St. John's Hospital, has said that the body was brought dead. So that's how it was kept in the mortuary. The details of the deceased and also the person who was staying with her, it seems they had a relationship 6 months back. They had met through.